डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, पूर्व सीजे बने विधि आयोग के प्रमुख। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 24 फरवरी 2020 को 22वें विधि आयोग को अधिसूचित किए जाने के 2 साल से अधिक समय के बाद यह नियुक्ति हुई है। अवस्थी ने अक्टूबर 2021 जुलाई 2022 के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। चलिए जानते हैं विधि आयोग के बारे में कुछ बेसिक बातें। तो भारत का विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। आयोग एक निश्चित कार्यकाल के लिए स्थापित किया जाता है और कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार ने 1955 में भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री एम सी सीतलवाड़ के अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की थी। प्रथम विधि आयोग में प्रथम विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड थॉमस मैकाले और 3 अन्य सदस्यों ने 1837 में दंड संहिता, 1842 में सीमा कानून और 1848 में अभिवचन और प्रक्रिया की एक योजना का मसौदा तैयार किया।